अभी रिसेंटली जब मैंने साउथ के कॉलेजेस के वीडियोस बनाए, फिर उड़ीसा के बनाए, झारखंड यूपी हो गया या महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, एमपी हो गया, तो कॉमन क्वेश्चन आने लगे, भैया आप जब उत्तराखंड क्यों छोड़ के चल रहे हो। तो आ चुका हूँ उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी के वीडियोज़ लेकर के भी। आज मैं बात करने वाला हूँ, जैसे आपको थंबनेल देख के पता चलेगा, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज़ यूनिवर्सिटी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। इसका जो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है 2023 में, इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट से लेकर के एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मिस नहीं कर सकें। और हाँ यार, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लो, ताकि इसी तरीके का हाईली इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियोस आपको मिलता रहे। जब भी इधर देखूँ समझना अपने लैपटॉप की तरफ देख रहा हूँ। तो सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कुछ रहने वाला है UPES देहरादून का 2023 में एडमिशन के लिए। तो आपका क्लास 12th होना मस्ट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो, अगर क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स की मैं बात करूँ तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स यानी कि PCM आपके सब्जेक्ट्स होने ही होने चाहिए। क्वालिफाइंग मार्क्स की मैं बात करूँ तो मिनिमम एग्रीगेट 50% मार्क्स आपके होने ही होने चाहिए क्लास 12th में और 10th में। इसके अलावा आपका जब क्लास 12 में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में भी मिनिमम 50% मार्क्स इंडिविजुअली होने ही होने चाहिए। अगर मैं बात करूँ उन लोगों के लिए जो क्लास 12 का एग्ज़ाम 2023 में यानी कि 2023 में दे रहे हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है एज ए एपरिंग कैंडिडेट अप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ एज क्राइटेरिया का, तो आपका जो एज है मिनिमम 17 ईयर्स होना ही होना चाहिए एज ऑफ 31 दिसंबर 2023। और वहीं पे नेशनैलिटी की मैं बात करूँ तो आप अगर आप इंडियन हैं, इंडिया से बाहर के हैं, तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेरे वीडियो सिर्फ इंडियन ही देखते हैं। अब बात करते हैं कि क्या कुछ एप्लीकेशन फ़ी लगता है UPES देहरादून में। तो किसी भी कैटेगरी से आप आते हैं, आपको 1350 रुपये का फ़ी पे करना पड़ेगा इंजीनियरिंग के लिए। और इसको आप जो ऑनलाइन मोड में पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू भी पे कर सकते हैं, UPI के थ्रू भी आप पे कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं आपको पेमेंट करने के लिए। वहीं पर अगर मैं बात करूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाले हैं, एक और बात क्लियर कर दूँ कि इसके अलग अलग फेजेज में एग्जाम होते हैं और ये सबके सब टेंटेटिव डेट्स हैं, अभी रियल डेट नहीं आए। जैसे रियल डेट आएगा वो भी मैं वीडियो डालूंगा और आपको पता चलेगा। करना कुछ नहीं है, बस चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करो, इतना ही काफ़ी है। वैसे मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का हैंडल भी ज्ञानरूप है, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। तो फेज़ वन के अगर मैं एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट की बात करूँ तो लास्ट वीक ऑफ नवंबर 2022 है, यानी कि इसी महीने के आखिर में एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट जो रहने वाला वो लास्ट वीक ऑफ मार्च 2023 रहने वाला। एडमिट कार्ड जो है आप फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2023 से डाउनलोड कर पाएंगे और वहीं पे एंट्रेंस एग्जाम जो होने वाला है UPES देहरादून का, वो सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल 2023 में होने वाला और रिजल्ट जो है इसका थर्ड वीक ऑफ अप्रैल 2023 में आएगा। अगर मैं फेज़ टू की बात करूँ, फेज़ टू SSN 2 आप जो भी बोल लें, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो लास्ट वीक ऑफ मार्च 2023 से स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट जो रहने वाला है वो लास्ट वीक ऑफ जून 2023 का रहने वाला है। एडमिट कार्ड जो है आपको फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2023 से अवेलेबल हो जाएगा और एंट्रेंस एग्जाम जो है वो सेकेंड वीक ऑफ जुलाई 2023 रहने वाला है और इसका जो रिजल्ट है वो सेकेंड वीक ऑफ जुलाई 2023 में ही आ जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस की वीडियोज मैंने जैसे स्टार्टिंग होता है ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट है, आप जाकर के वो चेक करो। इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम अपडेट 2023 का आपको तमाम इंजीनियरिंग कॉलेजेस के एडमिशन प्रोसेस के बारे में पता चल जाएगा।